सुंदरनगर के चांगर वार्ड में गंदे नाले की समस्या से स्थानीय लोग पिछले लंबे समय से परेशान हैं। इस नाले की गंदगी की समस्या से स्थानीय लोग अब बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं और कभी भी यहां महामारी फैल सकती है। इस समस्या के हल के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार बीबीएमबी प्रशासन और नगर परिषद सुंदरनगर को समस्या को हल करने के लिए चेताया, लेकिन आज तक ना बीबीएमबी इस समस्या का हल निकाल सका है ना ही नगर परिषद। वहीं स्थानीय लोगों ने एक बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी एक बार समस्या का हल करने के लिए कहा। उन्होंने स्वयं नाले का दौरा भी किया और लोगों को जल्द समस्या का हल करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी नाले की गंदगी की समस्या का हल नहीं हो सका। वहीं लोगों ने नाले की गंदगी से परेशान होकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समक्ष समस्या को हल करने की गुहार लगाई। शनिवार को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्शन नरेश नड्डा ने अपनी टीम के साथ नाले का दौरा किया और लोगों को जल्द इस समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नगर परिषद के इंजीनियर राजेंद्र गुलेरिया, कार्यकारी अधिकारी अशोक शर्मा, स्थानीय निवासी खरबंदा हेम सिंह ठाकुर, हेमचंद शर्मा और दीपक धीमान सहित आईपीएच के अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए विस्थापित परिवार संघ के अध्यक्ष हेम सिंह ने बताया कि नाले की गंदगी से स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से परेशान हैं और आज तक ना स्थानीय प्रशासन कुछ कर पाया ना बीबीएमबी। नाला है दरअसल में, इसमें बहुत से लोगों ने ओपन इसमें सीवर लाइनें अपनी डाल रखी है, जिसकी वजह से बीबीएमबी के जो ऊपर स्कूल से लेके यहाँ तक पूरा गंद, पुराना बाजार का गंद, जिसमें चांगर के निवासियों ने टाइम टाइम पे लोगों की समस्याओं से अथॉरिटी को आगाह करवाया, लेकिन किसी ने भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। अल्टीमेटली हमारे को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कंप्लेंट करनी पड़ी। बिलासपुर से एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आज इसका मौका किया है और उन्होंने अश्योर किया हुआ है कि भाई हम जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनके साथ इसको उठाएंगे। कल हम बीबीएमबी के चीफ इंजीनियर से भी मिले थे तो उन्होंने हमारे को अश्योर किया के भी एक दो दिन के बाद वो हमारे से भी डिस्कस करेंगे, कुछ हमारी समस्याएं हैं उससे भी डिस्कस करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि अगर वो हमारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी नहीं करते हैं तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट।